सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन. सो क्विकली हम लोग देखने वाले एक क्वेश्चन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ओके, वन रिक्वेस्ट के ये वीडियो देखने से पहले आप लोग प्रीवियस वीडियोस जो है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड जर्नल एंट्रीज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो दो वीडियोस देख के आना, ठीक है. सो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो क्वेश्चन पूछा था 2019 में टीवाई बीकॉम को इन देयर फिफ्थ सेमेस्टर. आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाल्गुनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018, और ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 20 मार्क्स. थोड़ा सा रीड करेंगे हम लोग और बाद में डिस्कस करते करते जर्नल एंट्रीज भी पास कर देंगे. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट इज 10 लाख. कभी कभी नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया होता तो यू कैन इजिली फाइंड आउट, ये 10 लाख को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 लाख इक्विटी शेयर ही मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट देखो, प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में. सो दैट इज 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इच. यहाँ पे एक शेयर ₹100 का, ये आपको ध्यान में रखना है. ये 10 है और ये ₹100. सो अमाउंट इज 4 लाख. तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड आउट करना है, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट दैट नंबर ऑफ शेयर्स. क्या करना है आपको, अमाउंट है 4 लाख, राइट, डिवाइड बाय एक शेयर है ₹100. सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा आपका, 4000, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, 4000. ये आगे जाके क्यों लिखा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है. उसके बाद डिबेंचर्स इज देयर, बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है टेम्पररी लोन जो आपने लिया था फॉर बिजनेस पर्पज. सन्ड्री क्रेडिटर्स इज देयर एंड बिल्स पेएबल इज देयर. एसेट साइड में देयर इज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल. ओके, ये गुडविल उड़ाना होता है नॉर्मली, जब यहाँ पे आएगा तभी, ये ध्यान में रखना. पेटेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है. मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है और इसको आपको उड़ाना होता है. एंड लास्ट वन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है. तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों आपको उड़ाना है. उड़ाना है मतलब कैसे उड़ाना है, एंट्री में पता चल जाएगा, ठीक है. जर्नल एंट्री आपने देखा होगा तो आपको पता होगा ये दोनों का क्या करना होता है, ठीक है, एंट्री क्या आएगा. सो ये हुआ आपका बैलेंस शीट. उसके बाद इमिडिएटली हम लोग देखने वाले दैट इज जर्नल एंट्रीज के बारे में. सो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है. द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सैंक्शन द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी कंसिडर्ड. प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स फॉर 4 ईयर्स. ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में, एरियर्स फॉर 4 ईयर्स मतलब 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं है. ओके, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये लाइबिलिटी है आपका, मतलब देना बाकी है ना, लेकिन ये जो लाइबिलिटी है इसको बोला जाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब ये देना पड़ भी सकता है या नहीं भी देना पड़ सकता. अगर ये क्वेश्चन में कहीं पे लिखा कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे करो तो उसका एंट्री आएगा, अगर पे करने के लिए नहीं बोला तो उसका एंट्री नहीं आएगा. ये ध्यान में रखना सिर्फ कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको नहीं. सो ये नीचे दिया जाता है हमेशा और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नॉर्मली हर क्वेश्चन में ही आता है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो पे किया तभी एंट्री आएगा, अगर पे नहीं किया तो एंट्री आने वाला नहीं है. तो क्या एंट्री आएगा वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे आगे जाके, डोंट वरी. 4 साल का नहीं मिला है उसका वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करेंगे हम लोग प्रॉपरली. सो लेट सी, ये आपका क्वेश्चन है. ओके, सो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में सॉल्व करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होने से अच्छा हम लोग डायरेक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखते हैं, ठीक है. चलो लेट सी मेरे साथ में क्या है. देखो आपके लिए मेरे साथ है ये जर्नल एंट्रीज जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और ये हम लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ किया है. ओके, टू पास दोज जर्नल एंट्रीज. तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, और क्विकली मैं आपको बता भी दूंगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास किया. ओके, विथ ऑल मटेरियल्स. सो यहां पे मैंने लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाल्गुनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. तो कॉलम्स कैसे आएगा, नंबर, पर्टिकुलर्स, डेट होता तो डेट का कॉलम आता लेकिन डेट नहीं आता. सो नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. ओके चलो लेट सी. सबसे पहला एंट्री देखते हैं हम लोग क्या लिखा है. सो एंट्री नंबर 1, द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹50.
रिड्यूस 2 रुपीज 50, मतलब प्रेफरेंस शेयर का नया वैल्यू कितना होगा 50 रुपीज, एंड इक्विटी शेयर 2 रुपीज 2 इच, मतलब प्रेफरेंस शेयर का न्यू वैल्यू होगा 50 और इक्विटी शेयर्स का न्यू वैल्यू होगा 2 रुपया। अभी इसका क्या करना है दैट वी विल सी, ठीक है। आप लोग एक वर्किंग नोट बनाओगे मेरे साथ, ये वर्किंग नोट आप लोग देख सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नॉर्मली जर्नल एंट्रीज के लिए 2 पेज लगता है, उसके बाद में ही आपको वर्किंग नोट लिखना है, स्टार्टिंग में वर्किंग नोट नहीं आएगा। लीव 2 पेजेस टू कंप्लीट पेजेस फॉर जनरल एंट्री एंड देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट विथ वर्किंग नोट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने वर्किंग नोट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है ताकि अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले लिखा है, बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वर्किंग नोट आप लोग देख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके पास कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था, सो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स था 1 लाख, ठीक है। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स और एक शेयर कितने का था 10 रुपए का, सो मल्टीप्लाई किया 10 लाख अमाउंट, ये था आपका ओल्ड अमाउंट। ओके, उसके बाद 1 लाख इक्विटी शेयर्स था, उसका नया वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे लिखा है रिड्यूस्ड 2 रुपीज 2 इच, अभी नया वैल्यू उसका 2 रुपया होगा। तो मैंने क्या किया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 2 रुपीज 2 इच, तो टोटल अमाउंट होगा 2 लाख, ठीक है। सो पहले का अमाउंट था 10 लाख, अभी का अमाउंट है 2 लाख, मतलब कंपनी ने कितना रुपया अपने पास रखा वो कम करके 8 लाख, मतलब ये कंपनी का फायदा है इन शॉर्ट, क्योंकि 10 लाख के शेयर्स के बदले में उसका वैल्यू कितना कर दिया कंपनी ने 2 लाख, तो अभी उसका नया वैल्यू होगा 2 लाख, तो कंपनी को फायदा कितना हुआ 8 लाख। ओके, इसका एंट्री हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे लिखा है देखो वर्किंग नोट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो प्रेफरेंस शेयर नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने ढूंढा था, मैंने बोला था आपको, आगे जाके देखेंगे व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। सो 4000 प्रेफरेंस शेयर्स, एक शेयर है 100 रुपीज का, सो टोटल अमाउंट इज 4 लैक्स, सो दैट वॉज यूर ओल्ड अमाउंट 4 लैक्स। अभी नया उसने क्या बोला है कि 50 करो उसका, ठीक है, 50 करने के लिए बोला। सो 4000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 50, तो उसका अमाउंट कितना आएगा 2 लाख। सो पुराना था 4 लाख, नया है 2 लाख, मतलब कंपनी ने यहाँ पे कितना बेनिफिट बनाया अपना 2 लैक्स का, सो दैट इज कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये ओल्ड न्यू समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ओके, डोंट वरी। तो अभी ये 2 वर्किंग नोट अपने पास है, इसका एंट्री देखेंगे क्या आएगा। मेरे पास जो पेज था आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, आई होप आपने जर्नल एंट्रीज लिखा भी होगा, ओके। सो एंट्री नंबर 12, एंट्री नंबर 12 यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। एंट्री नंबर 12 क्या लिखा है, 3 लाइन का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये शेयर कैपिटल कौन सा होता है ओल्ड, ये कौन सा होता है न्यू, और यहाँ पे आपको जो बेनिफिट हुआ, यही एंट्री हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम लिखने वाले, फर्स्ट फॉर इक्विटी शेयर्स एंड देन फॉर प्रेफरेंस शेयर, एंट्री नंबर 12, ओके, कीप दैट इन माइंड। तो उसका एंट्री लिखते हैं हम लोग, वर्किंग नोट हमने पास है, ओके, चलो लेट्स सी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर कर चुके हैं, लिखने वाले जर्नल एंट्री। तो पहला एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन, जो एंट्री देखा था वही एंट्री आपको लिखना है। तो अमाउंट कितना आएगा, मैंने एक्सप्लेन किया था, ओल्ड अमाउंट यहाँ पे आएगा 10 लाख, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू अमाउंट आएगा 2 लाख, और इसमें कंपनी को फायदा कितना हुआ 8 लाख, वो आप लोग नीचे लिखोगे। नरेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, बीइंग इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड, बीइंग इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड, इतना सिंपल लिखने, इफ यू वांट यू कैन ऐड ₹2, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स का, ओके, अभी प्रेफरेंस शेयर का एक नाम होता है, तो इसका नाम क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो इसका एंट्री मैं क्या लिखूंगा, सेम टू सेम, खाली आगे का नाम चेंज हो जाएगा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट,
ओके सो आपके पास है सब 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख. सो ओल्ड अमाउंट इज 4 लाख, न्यू अमाउंट इज 2 लाख और बेनिफिट कितना हुआ 2 लाख. सो नरेशन इज ऑल्सो इजी, बींग प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस्ड. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फेस वैल्यू रिड्यूस किया. प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. सो यहाँ पे आपका फर्स्ट 2 एंट्रीज कंप्लीट होता. ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 2. ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स 75% टू बी वेव्ड. कितना वेव किया, माफ़ किया 75%, तो ये 75% का एंट्री आने वाला नहीं है. रिमेनिंग कितना बचा 25% टू बी पेड इन कैश. मतलब इसका एंट्री आपको पास करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इसका एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी इजी. उसके पहले हम लोग वर्किंग नोट देखेंगे. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वर्किंग नोट प्रिपेयर किया प्रेफरेंस डिविडेंड. और जैसे मैंने बोला था, प्रेफरेंस डिविडेंड इज योर कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिजेंट का मतलब जो पे करना भी पड़ सकता है या फिर नहीं भी पे करना पड़ सकता है. सो अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर्स का 4 लाख. आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट इज 4 लाख, तो 4 लाख का 10%. अब ये 10% कहाँ से आया, क्वेश्चन में लिखा है. देखो प्रेफरेंस शेयर्स के पहले 10%, ये जो 10% है दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड. तो 4 लाख का 10% 40,000 पर ईयर आएगा. ऐसे कितने साल बोले यहाँ पे, 4 ईयर्स. बहुत से स्टूडेंट ये पढ़ते नहीं है, प्लीज बहुत से स्टूडेंट ये भूल जाते हैं पढ़ना. सो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर्स फॉर 4 ईयर्स. सो 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड आपको मिला नहीं. ठीक है, सो इंटू 4 करना है. सो 40,000 इंटू क्या किया मैंने यहाँ पे 4 किया, तो 1,60,000 आएगा. और उसमें से भी हम लोगों ने देखा कि 75% वेव किया, तो 1,60,000 का 75% कितना आता है, 1,20,000. सो जो वेव किया उसका एंट्री आने वाला नहीं है, बिकॉज ये आपका लाइबिलिटी था ही नहीं कभी. ओके, सो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट हो गया, सो इसका एंट्री नहीं आएगा. लेकिन जो पे करना पड़ा, ओके, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना, ओके, वो हिसाब हो गया. तो ये ऊपर था नहीं ना, तो अभी पे करना पड़ रहा है, सो इट इज़ योर लॉस. सो 25% निकाला कितना, 40,000. तो ये 40,000 आपको पे करना है और लॉस हुआ मतलब कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. ठीक है, सो ये था आपका एक वर्किंग नोट इन शॉर्ट आपको समझने के लिए. ठीक है, अभी इसका जर्नल एंट्रीज हम लोग देखेंगे. लॉस हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन आएगा डेबिट में, और पैसा दिया है ना, सो कैश और बैंक कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में. ओके, द एंट्री इज वेरी वेरी इजी. तो इसका एंट्री मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, एंट्री नंबर 3, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और जो पे किया उसका ही एंट्री आएगा, दैट इज ऑफ 40,000 रुपीज ओनली. नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड. तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया उसी का एंट्री आएगा, और एंट्री वो हम लोगों ने पास कर दिया. ठीक है, कैपिटल रिडक्शन क्यों आया, बिकॉज लॉस हुआ है और उस लाइबिलिटी का कुछ नाम ही नहीं था ना, तो इसके लिए कैपिटल रिडक्शन आया डेबिट में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3. ओके, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है, देखो द डिबेंचर होल्डर्स. अभी डिबेंचर होल्डर के बारे में बात किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिबेंचर का अमाउंट है 7.5 लाख, 7,50,000. ठीक है, द डिबेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी. उसने क्या टेक ओवर किया, प्लांट एंड मशीनरी, उसका अमाउंट कितना है, 6 लाख. ओके, लेकिन टेक ओवर कितने में किया, 6.5 लाख में. मतलब 6 लाख का मशीनरी 6.5 लाख में लिया, मतलब 50,000 एक्स्ट्रा दे रहा है ना ये बंदा, तो कंपनी के लिए वो 50,000 का प्रॉफिट है. इसका वर्किंग नोट हम लोग देखेंगे, डोंट वरी. इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, मतलब पूरा सेटिस्फाई नहीं हुआ था, एंड द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू देम टू बी कन्वर्टेड टू 13% डिबेंचर, और बचा हुआ जो अमाउंट होगा उसके बदले में उसको मिलेगा 13% डिबेंचर. अभी ये कैसे मिलेगा, लेट्स सी.
यहाँ पे आप लोग वर्किंग नोट देख सकते हो। ओके, क्या लिखा है देखो, 12% डिबेंचर्स, ओके, उसका अमाउंट कितना है 7.5 लाख, जो यहाँ पे हाईलाइट किया ऑलरेडी। नीचे देखो, पहले प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, कैपिटल रिडक्शन एंड 13% डिबेंचर्स। तो 7.5 लाख के बदले में प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख का था, ओके, तो 6 लाख लिखा है, लेकिन वो टेक ओवर कितना किया 6.5 लाख में, तो ये दोनों का 6.5 लाख टोटल होता है। 6 लाख का प्लांट एंड मशीनरी, 50,000 एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गया, तो 50,000 का क्या होगा आपका कैपिटल रिडक्शन, प्रॉफिट होगा कंपनी का। और जो बचा हुआ 1 लाख है उसके बदले में क्या मिलेगा, 13% डिबेंचर्स। एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट मैंने बताया नहीं आप लोगों को। 6 लाख प्लांट एंड मशीनरी, 50,000 कैपिटल रिडक्शन और 1 लाख 13% डिबेंचर। अभी इसका एंट्री भी बहुत सिंपल है लॉजिक लगाने का। 12% डिबेंचर्स जो है वो क्या है, लाइबिलिटी। अभी वो लाइबिलिटी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हमेशा डेबिट में, ओके। और जिसके साथ एडजस्ट किया वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। सो वी विल राइट एंट्री नंबर 4 विच इज़ वेरी वेरी इजी। और वो एंट्री क्या आएगा, आपका कौन सा डिबेंचर है वो डिबेंचर का नाम लिखना भी ज़रूरी है। और डिबेंचर वॉज 12%, तो एंट्री आएगा 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ओके, अमाउंट कितना आएगा पता है आपको, यहाँ पे आएगा ओल्ड अमाउंट, दैट इज 7,50,000। सो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, ओके, किसके साथ एडजस्ट किया, प्लांट एंड मशीनरी के साथ। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू, और यहाँ पे फायदा हुआ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू 13% डिबेंचर्स, जो नया दिया ना इसको डिबेंचर्स, तो वो भी आएगा 13% डिबेंचर्स। तो इसको लिखोगे कैसा, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है 6 लाख, आपको फायदा कितना हुआ 50,000, और डिबेंचर आएगा 1 लाख का। नरेशन भी इजी है, बीइंग 12% डिबेंचर सेटल्ड, सेटल कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री वी विल सी नंबर 4, बिल्स पेएबल पेड ऑफ, मतलब बिल्स पेएबल दे दिया, पैसा दे दिया उसको। सो बिल्स पेएबल इज योर लाइबिलिटी, उसको पे किया कैंसिल हो जाएगा तो वो डेबिट में आएगा, और पैसा दिया कैश और बैंक क्रेडिट में आएगा, विच इज़ वेरी इजी। और ये क्रेडिटर्स का हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बिल्स पेएबल का एंट्री लिखते हैं, एंट्री नंबर 5। क्या एंट्री आएगा, मैंने बोला था बिल्स पेएबल आएगा डेबिट में, बिकॉज वो लाइबिलिटी और पे हो चुका है। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक लिखो चलेगा, सिर्फ बैंक लिखो तो भी चलेगा, तो कैश और बैंक अकाउंट। कितना पे किया बिल्स पेएबल, अभी बिल्स पेएबल का अमाउंट देखो, दैट इज 60,000। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 60,000, यहाँ पे भी आएगा 60,000। नरेशन इज वेरी 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 इजी, बीइंग बिल्स पेएबल पेड। उसके बाद नंबर 6 क्या बोला है देखो, क्रेडिटर्स माफ कर दिया, क्रेडिटर्स एग्रीड टू वेव ₹20,000। क्रेडिटर्स ने बोला 20,000 पे नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो अपना यहाँ पे फायदा ही है, ओके। सो फायदा हो रहा है, क्रेडिटर्स 1,40,000 वो नहीं लिखना है आपको, 20,000 जो फायदा हुआ वही लिखना है। सो क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स ने बोला कि 20,000 मत दो, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कम होगा, क्रेडिटर्स योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम किया मतलब क्रेडिटर्स को कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, अभी यहाँ पे उसको पैसा दिया नहीं है, राइट, पैसा दिया नहीं है, फायदा हुआ है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आता है। कितना फायदा हुआ 20,000, माफ कर दिया ना, उसने बोला नहीं चाहिए, माफ कर दिया। बीइंग क्रेडिटर्स वेव्ड, जो किया वही लिखना है आपको, ठीक है, नंबर 6। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स,
टू बी रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट उड़ा देने का, ठीक है। तो आप यहां पे आपको देखना है कि इंटेंजिबल एसेट कौन सा है, सो दिस गुडविल, ये है इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, पेटेंट भी है इंटेंजिबल एसेट, और फिक्टिशियस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये चार एसेट्स को आपको उड़ाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं जर्नल एंट्रीज का पेज देख रहा हूँ, और मैंने बोला था 99.99% ये एंट्री आएगा, दैट इज एंट्री नंबर 7, ये आपको कॉपी करना है, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन जो कम हुआ वो कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट में, एंट्री नंबर 7, ठीक है। चलो लेट्स सी, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं ताकि थोड़ा एडजस्ट हो जाए प्रॉपरली। एंट्री नंबर 7 आएगा आपका, ओके। सो कैपिटल रिडक्शन आएगा डेबिट में, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और जो उड़ाया वो आएगा क्रेडिट में। क्या क्या आएगा, गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2, गुडविल अकाउंट 2, पेटेंट अकाउंट 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 2, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अभी यहां पे आपको अमाउंट पता नहीं है, राइट, कैपिटल रिडक्शन का पता नहीं है, बाद में ऐड करके आपको निकालना पड़ेगा। सो गुडविल का अमाउंट कितना है, 25,000, पेटेंट का अमाउंट कितना है, 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 8 लाख, थोड़ा बड़ा अमाउंट है, एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है, 90,000। तो इन सब का आपको टोटल करना है, 25,000 प्लस 15,000 प्लस 8 लाख प्लस 90,000, सो टोटल विल बी 9,30,000। नरेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, बीइंग फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, ओके। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नंबर 7, ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंट्री नंबर 6। The following assets to be valued as follows. मतलब नया वैल्यू दिया आपको, फर्नीचर वर्किंग नोट आप लोग देख सकते हो मेरे साथ ताकि आपको समझने में आसानी। देखो प्लीज, ठीक है, दोनों आपको दिख रहा होगा एट अ टाइम। चलो ध्यान देते, सबसे पहले क्या लिखा है, द फॉलोइंग एसेट्स रिवैल्यूड। फर्नीचर देखो, फर्नीचर का ओरिजिनल अमाउंट कितना था बैलेंस शीट में, सो दैट इज 35,000, ठीक है। सो 35,000 मैंने लिखा है, और अभी उसका नया अमाउंट कितना होगा, 30,000, सो 35,000 एंड 30,000, ओके। सो 35,000 का कितना हुआ, 30,000, मतलब कितना कम हुआ, 5,000। हम लोग को ये चाहिए होता है कितना इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ 5,000। उसके बाद स्टॉक का अमाउंट कितना था, 80,000, वो 80,000 का कितना हुआ स्टॉक, 60,000, मतलब 80 का 60 हुआ, कितना कम हुआ, 20,000, और डाउन एरो किया मतलब वैल्यू कम हो रहा है एसेट का। अगला लैंड एंड बिल्डिंग, ओरिजिनल प्राइस हुआ 6,50,000, उसका कितना हुआ, 6 लाख, सो 6,50,000 का 6 लाख हुआ, कितना कम हुआ, 50,000। लास्ट वन डेटर्स कितना था, 90,000, 90 का कितना हुआ यहाँ पे, 70,000, सो 90 का 70 मतलब ये भी डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो ये नेट अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज का अपने को चाहिए होता है, और ये चारों का चारों एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज। सो एसेट का वैल्यू जब कम होता है तो एसेट को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में, और कैपिटल रिडक्शन को हम लोग लिखते हैं डेबिट में। अपना लॉजिक छोड़ना नहीं है आपको लास्ट, ठीक है। तो जिसको ये लॉजिक समझ में आया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, उसको बराबर चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, ओके। चलो so entry number 8 I am going to write, that is capital reduction account debit 2, चारों का नाम लिखना है आपको वन बाय वन। सबसे पहले आएगा what, furniture
फर्नीचर अकाउंट टू, उसके बाद स्टॉक अकाउंट, उसी ऑर्डर में जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग, आप लोग फुल फॉर्म प्लीज देख लेना, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, आपको फुल फॉर्म में लिखना, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ओके, सो कितना कम हुआ था दैट वी विल सी। फर्नीचर का अमाउंट, नेट अमाउंट देखो मैंने यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। ओके, सो फर्नीचर कितना कम हुआ था, 5000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक, ओके स्टॉक कितना कम हुआ था, 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग कम हुआ था 50,000। एंड सन्ड्री डेटर्स आपका कम हुआ था 20,000। और इन सब का टोटल करके आपको लिखना है कैपिटल रिडक्शन के आगे, दैट इज 95,000। नरेशन यू कैन इजीली राइट बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, एकदम सिंपल नरेशन लिखो, टेंशन मत लो, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। ओके, सो उसके बाद एंट्री नंबर 8 हम लोगों ने देखा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट अपना हो चुका है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की खास बात ये है कि पॉइंट वाइज सॉल्व करते जाना है, ओके ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। नंबर 7 देखो, द कंपनी ऑप्टेन अ सिक्योर्ड लोन ऑफ 1,50,000। सो कंपनी ने लोन लिया कितने का, 1,50,000 का, एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट बाय मॉर्गेजिंग लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, सो मॉर्गेज किया मतलब गिरवी रखा लैंड एंड बिल्डिंग को और लोन लिया। पहले इसका एंट्री हम लोग पास करेंगे जो लोन लिया था उसका, बाकी का पार्ट बाद में देखेंगे, ठीक है, अदरवाइज कन्फ्यूजन बढ़ेगा। सो 1,50,000 का लोन लिया, कॉमन सेंस से लोन लिया तो पैसा आएगा। ओके, सो जो लोन लिया उसका एंट्री क्या आएगा, देखो नंबर 9, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने लोन लिया ना तो इट इज योर लाइबिलिटी, नया लाइबिलिटी क्रिएट होगा तो वो क्रेडिट में आएगा, बैंक लोन अकाउंट। और कितने का लोन लिया, 1,50,000 का, इधर भी आएगा 1,50,000। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग लोन टेकर, बीइंग लोन टेकर, ठीक है, चलो इजी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये लोन किस चीज के लिए लिया था, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000। उसमें से देखो ये बिल्स पेएबल ऑलरेडी पे कर दिया हम लोगों ने, तो बचा क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ये 20,000, तो इसका भी एंट्री पास कर देते। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया तो कॉमन सेंस से बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया तो वो निकल जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है, तो उसका एंट्री हम लोग इजीली पास कर सकते हैं। कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका, इट इज ऑफ ₹50,000। ओके, और आपको क्या पे करने के लिए बोला है यहाँ पे, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, तो दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, विच इज अगेन वेरी वेरी इजी, ठीक है। सो मैं ये एंट्री पास कर रहा हूँ यहाँ पे ओवरड्राफ्ट पेमेंट का, एंट्री नंबर 10। दोनों एक साथ भी आप लोग पे कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर योर लाइबिलिटीज। ओके, सो लेकिन अलग अलग करेंगे तो अच्छा है। ओवरड्राफ्ट का एंट्री क्या आएगा, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर एक्चुअल लाइबिलिटी, यहाँ पे आपको दिख रहा है 50,000। ओके, सो उसका एंट्री आएगा बैंक ओडी, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, ओवरड्राफ्ट लिखना है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हुआ तो डेबिट में आता है और पैसा जाएगा ना, सो टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने का ओडी था, 50,000 का, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग ओडी पेड या फिर ओवरड्राफ्ट पेड। नंबर 10 के बाद आएगा एंट्री नंबर 11, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, ये जो 20,000 पे करने के लिए बोला था उसका एंट्री भी मैंने आपको बोला था, ये लास्ट में एंट्री है, देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो वो एंट्री आपको डिटो सेम टू सेम कॉपी करना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितने का, 20,000 आपको बोला पे करने के लिए, तो 20,000 आएगा यहाँ पे। नरेशन बीइंग
रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, क्या किया आपने, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे किया तो उसका एंट्री आएगा 20,000, 20,000, ओके, विच इज अगेन वेरी वेरी इजी। उसके बाद लास्ट में दो चार लाइन छोड़ना, एक एंट्री होता है जो आपको लास्ट में पता चलेगा, वो हम लोग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सो ये था आपका जर्नल एंट्रीज, हम लोगों ने देखा इस लेक्चर में, ओके। सो ये है आपका जर्नल एंट्री, ये आप लोग देख सकते हो, ओके। और उसके बाद हम लोगों ने ये वाला टोटल 11 जर्नल एंट्रीज और एक 12वां भी आएगा, वो भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं, ठीक है। सो जो TY BCOM का पेपर है, ठीक है, उसमें आपको नॉर्मली पूछा जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है, इट्स अ लेजर अकाउंट, इसका फॉर्मेट भी इजी है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, तो कुछ डेबिट में आएगा और कुछ चीज़ें क्रेडिट में आएंगी। तो ये कैसे समझना है, यहाँ पे ध्यान दो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा होगा, सो जो भी चीज़ डेबिट में आती है उसके पहले आप लोग लिखते हो टू, और जो भी चीज़ क्रेडिट में आती है उसके पहले आप लोग लिखते हो बाय, ओके। सो ये क्यों बताया, लेट्स सी, जर्नल एंट्रीज में आप लोग देख सकते हो, सो जहां पे कैपिटल रिडक्शन नाम आया होगा, ओके, वही एंट्री का रिफ्लेक्शन यहां पे आने वाला है, ओके। सो वो कैसे आएगा, देखो ये फर्स्ट एंट्री, यहां पे आपको कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, राइट, तो ये कैपिटल रिडक्शन नीचे है, उसके अपोजिट में क्या है वो आपको देखना होता है हमेशा, तो यहां पे टू है तो इसके अपोजिट में क्या आना चाहिए, बाय। ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है एक्चुअल में, अपोजिट वाला देखने का, कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट में ये टू है नीचे, तो ऊपर क्या आएगा, बाय। बाय मतलब कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट ये 10 लाख नहीं लिखना है, अमाउंट आपको कैपिटल रिडक्शन का ही लिखना है, दैट इज 8 लाख, ओके ओके। चलो लेट्स सी, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों ने लिखा, नेक्स्ट एंट्री देखो, यहां पे भी क्या लिखा है, कैपिटल रिडक्शन आएगा तो ये अपोजिट में क्या आएगा, यहां पे भी बाय, सिंपल लॉजिक एकदम। सो बाय मतलब कहां पे लिखोगे, क्रेडिट में अगेन, सो मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं बाय, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कितना, कौन सा अमाउंट लिखना है, कैपिटल रिडक्शन का, ये 4 लाख नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखना, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। उसके बाद अगला एंट्री, ये कैपिटल रिडक्शन है, उसके अपोजिट में क्या है, टू, तो टेंशन ही नहीं है ना, टू मतलब कहाँ पे आएगा, डेबिट, तो मैं डेबिट में लिख रहा हूँ टू कैश और बैंक, कितना आएगा 40,000, अभी एक ही अमाउंट है ना, तो टेंशन ही नहीं है। उसके बाद आगे 12% डिबेंचर्स, ये नीचे आया टू, टू मतलब नीचे है, तो अपोजिट में क्या आएगा, बाय, सो ये बाय आया बराबर, तो बाय कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड में, सो बाय 12% डिबेंचर्स, लेकिन आपको अमाउंट ये वाला नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखना, 7.5 लाख नहीं लिखना है, आपको लिखना है 50,000, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50,000, ओके। उसके बाद आगे नेक्स्ट, इस 5 नंबर के एंट्री में कैपिटल रिडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका कुछ रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। एंट्री नंबर 6 का आएगा, क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन, तो ये टू है ना, अपोजिट में क्या आएगा, बाय, अपोजिट वाला लिखना है, तो बाय मतलब कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, सो बाय क्रेडिटर्स 20,000, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भर भर के है बहुत सारा, सो कैपिटल रिडक्शन देखो, यहाँ पे सब टू में है, ओके, मतलब ये सब कहाँ पे आएगा, डेबिट में। नीचे वाला एंट्री भी देखोगे, ये सब भी कहाँ पे आएगा, डेबिट में, ठीक है। सो वो क्विकली हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, गुडविल 25,000, पेटेंट, आपको ये शॉर्टकट नहीं लिखना, आपको फुल फॉर्म में लिखना है हमेशा, टू प्रॉफिट एंड लॉस
8 लाख, लेकिन अमाउंट रॉन्ग मत लिखना प्लीज। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सो दैट इज 90,000। उसके बाद टू फर्नीचर 5,000, टू स्टॉक 20,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, एंड टू सन्ड्री डेटर्स 20,000। ओके, ये भी इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अगला, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन नहीं है, यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन नहीं है, लास्ट में कैपिटल रिडक्शन है। ओके, सो यहाँ पे भी क्या लिखा है, टू कैश और बैंक, टू मतलब कहाँ पे आएगा, डेबिट में। सो लास्ट एंट्री यहाँ पे टू कैश और बैंक कितना आएगा, 20,000। यहाँ पे आपका सब पोस्टिंग हो चुका है। अभी इसको क्लोज करने का टाइम है, इसको हम लोग क्लोज करेंगे 1 by 1। ओके, सो आगे हम लोग इसका टोटल करेंगे। सो अगर आप लोग कंपेयर करोगे दोनों का, ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो क्या करोगे, पहले क्रेडिट का टोटल निकालोगे, डेबिट का पूरा माइनस करोगे और बैलेंस आता है। सो जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर सपोज डेबिट साइड बढ़ा है तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको बोलते हैं गुडविल। ओके, सो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ पे मुझे डेबिट साइड बड़ा लग रहा है। ओके, नॉर्मली कैपिटल रिजर्व आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में डेबिट साइड बड़ा है, तो उसका टोटल हम लोग लिखेंगे 10,85,000 पहले लिखेंगे। पहले दोनों का टोटल कर लेना, वो ज़रूरी है। 10,85,000 ये टोटल बड़ा है, इसके लिए ये पहले लिखा और ये सेम टोटल यहाँ पे कॉपी किया। ओके, उसमें से ऊपर का सब माइनस कर दिया, ठीक है, क्रेडिट साइड का, तो बैलेंस बचेगा यहाँ पे 15,000। ये जो 15,000 बैलेंस है उसको मैं नाम दूंगा गुडविल। ओके, अगर सपोज ये 15,000 यहाँ पे आया होता तो उसको हम यहाँ पे डेबिट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या है, गुडविल। अगला कोई क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जहाँ पे आपको कैपिटल रिजर्व भी मिल जाएगा। तो इसका एक एंट्री बनता है, देखो गुडविल बाय है मतलब ऊपर आएगा, और कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे आएगा, नीचे। तो लास्ट एंट्री में पास कर रहा हूँ, दैट इज नंबर 12, और वो एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 15,000 जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर। ओके, और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, नॉर्मली कैपिटल रिजर्व आता है, लेकिन यहाँ पे गुडविल आ गया ये बैलेंस, ठीक है। अगला कोई कैपिटल रिजर्व वाला क्वेश्चन भी हम लोग करके देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 20 मार्क्स। बीकॉम को इतना ही पूछते हैं, बैफ को जर्नल एंट्री के साथ साथ पूछा जा सकता है बैलेंस शीट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट, दोनों प्रैक्टिस कर लेना, और इजी चैप्टर है, यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। सो ये जर्नल एंट्रीज देखा हम लोगों ने, ओके, और उसके बाद में देखा हम लोगों ने लेजर, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भूलना नहीं है कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन के वक्त, दैट इज दिस टू गोल्डन रूल्स। ओके, आई होप जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके, एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस, ताकि बहुत से लोगों का, बहुत से स्टूडेंट्स का अकाउंटिंग नॉलेज बढ़े और वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।